लड़की ना ऊपर है भाई, लड़की तो मैं काम मत करो यार, मैं तुमसे ही कहूँगा। देखना मैंने पूरी दीवार पर जो है नाम गुज रखे हैं, मैंने जो नाम पढ़े ना अभी तो सारे नाम भाई साहब लिखे हैं यहाँ पे, तो जो भी प्रिया, अंशुल, ट्विंकल, ट्विंकल जो भी नाम लिखे हुए हैं ना, ये तुमने हार्ट इमोजी बना रखा है यहाँ पे, ये इट्स आदि भाई, आदि अनादि मत कर भाई ऐसा। मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आदि तैसे मिल गया, मिल गया तभी तुमने यहाँ पर कहने कर दिया। ठीक है, समझा समझा, खुशी ओ माय गॉड, खुशी खुशी बनी रावत भाई साहब। मैं तो बहुत से नाम है यार, ऐसा करता हूँ सारे नाम तुमने छाप दिए, बस मेरा नाम नहीं है पूरी दीवार पर नहीं मिलेगा, तो जाओ नहीं किए मैं नहीं किए किसी से, तुम्हें यहाँ पर नाम नहीं मिलेगा। हो भाई हमें खुली हुई वाली में थोड़ी रोशनी बढ़ी है इस तरफ खो। आई डोंट नो, और देखते हैं क्या है, शायद कोई पुराना ये एक्वेरियम है यार, लोग लिखा ही नहीं है ये एक्वेरियम है, क्या बता लो ये एक्वेरियम है, जो मछलियाँ दिख रही हैं अनबिलीवेबल। मैं इनको इग्नोर मारता आगे बढ़ रहा था, चलो आगे तो दिखा दो सारी चीज़ें, बहुत ही एक्वेरियम की मछलियाँ हैं, बहुत ही मछलियाँ कॉफी पर पीनी के लिए ठंडा पानी है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर है, तो पानी पी सकते हो यहाँ पे आकर के आराम से मस्त पानी, क्योंकि मेरी बैग में पानी है, तो इसलिए मत पानी, मतलब पानी को क्या ही पीना, पानी है तो मत पियो, है ना, बात खत्म। और एक जगह है यहाँ पे और भी चीज़ें को बोलते हैं चेक करेंगे। हो मैन क्या हवा आज यहाँ पे, पंखे पंखे यहाँ पे, और वापस से एक्वेरियम एक्वेरियम मछलियाँ, क्या क्लैरिटी है यार, इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ भाई साहब एक्वेरियम में, के अंदर ना लाइटिंग वगैरह देनी चाहिए ताकि जो हमें मछलियाँ दिखाई दे सके, जैसे कि मछली ना ये लाइटिंग में दिखेगी ऐसे नहीं दिखाई देगी तुमको, ऑफिस वगैरह देख लो, ये भी ऑफिस वगैरह देख लीजिए जी, वो भाई इधर भी है, वो मैन डॉक्टर तक नहीं तो दिखेंगे, गुल डॉक्टर ऐसे लग जाएंगे, ऑस्कर है ये डॉक्टर जी, इसका नाम ऑस्कर है, ये गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश की अलग अलग वैराइटीज़ है इसके अंदर, लेकिन सारी गोल्ड फिश वगैरह है, नाम नहीं था ये भी गोल्ड फिश वगैरह होगी, तो ये को ना अंदर लाइटिंग देना चाहिए ताकि ना मछली दिखाई दे सके, क्या पता नहीं मछली को लाइटिंग पसंद ना हो इंसानों की तरफ। मैन कितनी बड़ी मछली है भाई साहब, ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए, देखो बिल्कुल पास है मेरे, तो मछली बहुत बड़ी वाली, तो कोई बोली हो, तुम तो देखो कैसे मछली यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे नाम लिखे हैं और कहीं पे नहीं लिखे हैं, तो भाई साहब उसके यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और बस बात है रेड वाइन यहाँ पे चमकेगी, ये बड़ी मछली है यार, डैम देखना यहाँ पे इसका नाम नहीं है, बाकी तो नो नेम, कहो बचना चाहिए गई है ना, क्या करके पूछ रही है तुम, मैं समझ रहा इनको बुलाने की ये शीशा तो जो बाहर आएंगी, बाकी बाहर नहीं आएंगी, क्यों आएंगी बाहर, ये कोई भी हो सकती है ये कोई भी सब भाई साहब, नाम के उसका कोई नाम नहीं लिखा यहाँ पे, एलिगेटर कार कहाँ है भाई, ये भी ये भी दिखे दिखे। वो भाई साहब एलिगेटर बोले तो ये चोंच और लंबी है, ये भी भाई ये भी कोई एलिगेटर की तरह है, एलिगेटर तो मैंने देखा है ना, ओ मैन वॉशरूम है तो तुम वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हो, ठीक है ना, इस तरफ है वॉशरूम वगैरह है, और अब हम यहाँ से जो है वॉशरूम वगैरह है तुम जा सकते हो, कैंटीन है तो तुम कैंटीन में आके खा पी सकते हो मस्त आराम से, और बाकी जो है इधर जो है तुम रेस्ट वगैरह कर सकते हो आकर के, ठीक है ना, और मस्त तुम इधर आकर के स्विंग स्विंग वाले झूले भी झूल सकते हो आराम से, काफ़ी मस्त लग रहा है यार, ये देखो क्या बनाया गया मस्त वाला, देखो तरह तुम्हें जो है क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी यहाँ पर।
टैटू बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या है ये, इसकी नाक वाक पैर वर सब है। नीचे इसी ने मैं से बैठूंगा आराम से। ओ भाई ये डर लग रहा है मुझे तो। वैसे यूजुअली मैं झूलों पे ना कम झूलता हूँ क्योंकि मुझे जो है झूलों से बहुत ज़्यादा डर लगता है इस वजह से, बट सिंपल मज़ा आ रहा है यार। मेरे नाम गिर जाऊँगा ये कभी न कभी फिर मिलाएंगे, फिर मिलाएंगे तो पुरबन्ना मैं तारा सजना, कला तिक्का वारा सजना, मिलना चाहूँ दोबारा से ना, ओ असी फिर मिलाएंगे। यो भाई साहब बट लग रहा मुझे ये तीन को है मुझे को डॉल म्यूजियम वगैरह डॉल हाउस वगैरह है तो इसमें भी जो है हम जा करके भी अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई, यहीं से मुझे कुछ दिख रहा है, तो कुछ दिख रहा हो ऊपर वो डॉल नीचे वो डॉल, और ये एंट्री यहाँ की तो वह देखते हैं क्या एंट्री है। वो मैं मतलब ब्यूटीफुल डॉल वाली म्यूजियम में फिर अभी बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा क्योंकि डॉल को देखते मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, ये सब जिंदा हो जाएंगे अभी और मेरे पीछे भागेंगे। निजाम कैसे हो तुम, मैं मेरी तो फटके अच्छा हो जाएगी, कोई पूछेगा बोलेगा वो आई मिल रही है बस वादे सामान चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। ये गांव का सेटअप बनाया गया जिसमें लोग चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, बैठे हुए हैं ना बातचीत कर रहे हैं। कोई देखो बाबा आया है इनके दीवार पे, ये कुछ बेच रहे हैं खाएँ भैंस वगैरह, चरखा कात रहे हैं वो ना। ओ माया तेनू वेखने चुक चरखा देखते बिच पावा, वही है कि गली में चरखा चुक रही हूँ तेनू वेखन के वास्ते, ऐसे गाना है ना तो वैसे कुछ है, काफ़ी सही है। और यहाँ पे ये शायद वगैरह है इधर और भी है। गांव है, गांव का सेटअप बनाया गया है, गांव का सेटअप बनाया गया है तो भाई लग रहा है वो किसी की शादी है शायद। अच्छा ये लोग शादी में जा रहे हैं शायद, मैं उल्टा आ गया हूँ शायद, ये शादी में जा रहे हैं लोग वगैरह, क्योंकि शादी वगैरह है और ये सारे लोग शादी में जा रहे हैं। मुझे बहुत ऊँचे ऊँचे लोग हैं और ये बाबा वगैरह बैठे हुए हैं, संत तपस्या वगैरह कर रहे हैं अंदर भगवान जी की मूर्ति, और यहाँ पे बाबा लोग तपस्या कर रहे हैं। मैं ये पहले ऊपर में आया था तो गोबर से उछाड़ा, ये खाना इस टाइप में बनाया है लोग वगैरह बैठे, और फिर यहाँ से जो है ये ख़त्म हो जाता है। सही है डॉल्स की दुनिया, डॉल्स वर्ल्ड, और ये यहाँ से यहाँ से छः बना रहे हैं स्कल्पचर्स बना रहे हैं अभी या फिर बने हुए हैं, उनको सफाई कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं नहीं पता, देखते आगे इसमें पता नहीं क्या है, मैं अंदर जाकर देखा जाऊँगा इसके अंदर क्या है, यहाँ से कुछ दिख रहा है। ओह काफ़ी खूबसूरत है, चलो अंदर जाकर देखते एक बार। अच्छा ये अभी खाली रूम वगैरह है शायद, इसको सजाया जाएगा या बनाया जाएगा, यहाँ पर कुछ लगाया जाएगा शायद, हॉल वगैरह किसी चीज़ का। चलो बाहर की ओर चलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सामने का नज़ारा भाई साहब जिसे देख के बहुत ही मज़ा आ रहा भाई साहब, देखो तुम भाई खूबसूरत नज़ारा, ये ऊपर जो है
पूरा बना हुआ है, यहाँ का हर एक दीवार स्कल्पचर से बना हुआ है। मुझे पता लगा ये पेड़ है, बट इन रियलिटी ये पेड़ नहीं है, पत्थर से बनाए गए, सीमेंट से बनाए गए पेड़ हैं ये नकली वाले। मैन 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 देखो यार, मैं इन पेड़ों की तरह समझ रहा था इसको, किसी तरह भी समझ रहा था, बट मैंने जाना इतना मोटा पेड़ होता क्या। एंड इन रियलिटी मेरा ध्यान फिर इस तरफ गया, और यार यहाँ पर तो सिर्फ स्प्रिंग्स झूले ही हैं, और शायद उस तरफ निकलने का रास्ता है ना भाई। सच बताऊँ बहुत बड़ा यार ये, मैं घूमते घूमते थक गया, और लिटरली फर्स्ट टाइम जो है मैं इतना घूमा हूँ खुद से। एक्चुअली सच बताऊँगा तो मैं तुम्हें कुछ लोगों के पीछे पीछे घूम रहा था, तुम्हें देखा होगा, ताकि मैं पूरा एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि मैं जब भी अकेले एक्सप्लोर करने निकलता हूँ ना तो हमेशा चीज़ों को अधूरा ही छोड़ देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करता हूँ। तो मेरे आगे कुछ लोग थे तो मैं जाकर उनको फॉलो किया जाए, और इन जगहों को इन चीज़ों को ना एक्सप्लोर किया जाए, तो इस वजह से जो मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ हर एक चीज़ को, वरना कुछ चीज़ें वैसे छूट जाती है, वैसे हर बार छूट जाती है ना, इस वजह से। चलो आगे थोड़ी थोड़ी बना रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना काम। कपड़े पिछले किया जाता होगा, बट ऐसा लगा है कि किसी प्रकार की मीटिंग्स या कोई चीज़ या फिर सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, और रास्ता घूम कर के जो है यहाँ पर दया जो मिलता है, और कुछ रास्ते जो यहाँ बंद हैं, पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, नॉर्टी कर रखा है, शायद उससे जाना अलाउ नहीं है, या उससे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा, तो इस वजह से यह लोग सिर्फ नहीं जाते हैं, या लोगों को जाने दिया नहीं जाता है, नॉर्टी कर लिया है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। देख तो खूबसूरत रहा, पर पता नहीं क्यों बंद कर रखा है इस रास्ते को, सारे रास्ते घूम के यहाँ से वापस जाता है वापस जाने के लिए, और फिर सीढ़ियाँ वापस करने के लिए जाने के लिए, और झूले भाई सब लिटरली आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद ग्रीस जंगल में खा चुके हैं इस वजह से। ये कुछ यहीं चंडीगढ़ से लोग मिले हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेरा फ्रेंड है आसान, हाँ जी आसान हुसैन, वो भाई क्या बात है, अच्छा नाम, बहुत ही प्यारा नाम है। तो इन्होंने सब्सक्राइब भी किया चैनल को अभी, और अभी एक फ़ोटो भी लेने वाले साथ में, तो हम भी एक फ़ोटो लेंगे साथ में, और फिर हम आगे घर बढ़ेंगे। लाफिंग मिरर, अभी लाफिंग कैसे करते हैं वो जाकर इन्हें देखूंगा मैं, फिर कंफर्म करेंगे कैसे लाफिंग करते हैं। ये लाफिंग मिरर से देखो जरा, क्या इतना लंबा दिख गया, मैं लाफिंग कहाँ करा भाई, लाफिंग में पता ही नहीं कुछ। इसमें बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो सोचे आर्टिकल दिखाते थे, इसमें छोटे लग रहे हैं, और इसमें भाई साहब कितने लंबे लग रहे हैं, और इसमें जो है वो भाई एकदम चौड़े चौड़े लग रहे हैं। ओ भाई इसमें लंबा हो गया, इसमें तो इसमें ऊपर तो नीचे हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें टांगे लंबी हो गई, ओहो इसमें छोटा हो गया जी, और इसमें तो ओ भाई मेरा सर कहाँ है नीचे कुछ पता नहीं चल रहा, बच्चों को देखते हैं हंसने के लिए, पर नहीं कौन सा लाफिंग मिरर था, लाइटिंग कम थी वजह से मैडम से दिखा दी दिया, बट हा हा लो मैंने हंस दिया नहीं मज़ेदार था ये, इट्स इंटरेस्टिंग, मैं नहीं कह रहा बेकार है, इट्स इंटरेस्टिंग नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, हंस सकते हैं जो लोग क्वेश्चन लिखे ना, और हम क्या फिल्टर यूज़ करते हैं हम लोग फ़ोन में, तो ऐसे फिल्टर आते हैं हमारे फ़ोनों में, तो हमें मालूम है क्या ही हंसना इस वजह से, अब जो नहीं यूज़ करते हैं वो फर्स्ट टाइम आएंगे तो हंसेंगे, और उसी बात है छोटा लंबा मुँह अजीब सारा टेढ़ा, कभी पैर लंबे कभी सिर लंबे, तो इस प्रकार से मिरर्स में दिखाया गया है, तो कुछ मिरर्स के एंगल्स को चेंज करके ना बन जाते हैं, तो फिलहाल तो हम आगे फिर बढ़ रहे हैं, देखते हैं कौन सा हिस्सा बच के रह गया, फिर उन लोगों को फॉलो करा था, पर किसको फॉलो करा था वो अनफॉलो हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, तो ढूंढते हैं उनको और अपनी वीडियो को पूरा करते हैं। यहाँ से आए थे मुझे याद नहीं है, बट शायद हाँ यहीं से आए थे हम लोग, काफ़ी सही रास्ते में तो बस लगा ना, क्वालिफाइंग जगह से लग रही है, मैं कहता ना यहाँ पे जो लाइटनिंग है तो वैसे क्वालिफाइंग लाइटनिंग है,
डराने वाली है और देखते हैं, और यहाँ के रास्ते भी कुछ वैसे नहीं डराने वाले हैं। और वैसे भी शाम हो चुकी है तो लाइटिंग और कम हो चुकी है, और ये वही मगरमच्छ वाला तालाब नहीं पड़े तो फिर देखते हुए हम आगे निकलेंगे। और शायद इस तरफ से ये अभी तक इस तरफ से आए थे, देखते हैं अभी कहाँ है और निकलने का प्लान करते हैं। माय गॉड, ये तो आया इतना देख रही है अभी, लिटरली बहुत अच्छे लग रहे हैं। समय था, आई डोंट थिंक ये था जाता समय, सब जाता समय नहीं था। अब आज स्टार्ट हुए हैं, पहले नहीं था। हाँ फिर छोटो हो जाए, यहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती और क्या, देखते हैं। आसान रास्ता है और मैं खड़ा हूँ और मुझे क्या लग रहा है भाई साहब, पता नहीं क्यों ऐसे रास्ते में मैं अकेला क्यों पहुँचाता हूँ, समझ में नहीं आता। फिर से डराने के लिए आ गया, एग्जिट किस तरफ है मैं समझ नहीं पा रहा, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ है क्योंकि इस तरफ मैं नहीं गया हूँ इधर। ये सब हो गया भाई साहब, मेरे टाइम उनकी आँखें देखो कैसे चमक रही हैं, उनकी आँखें देखो तुम डराने वाली आँखें हैं, मुझे आ जाए अपनी सारी आँखें आ जाएंगी। मैं डॉल हाउस इधर है वो यार, मतलब क्या बताऊँ कौन से रास्ते में, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बस चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ। ऐसे बंदे यहाँ पर रास्ते हैं, एक पतली सी गली है, और नीचे आके देखो यार लिटरली मैं वही रास्ता चले जा रहा है। ओ मैं, ओ भाई साहब, ओ भाई ये कौन सी वाया सीना है, आई डोंट बिलीव, तो कौन सी वाया सीना है, ये लोग कौन है पूरी ऐसे आ करके मुझे पकड़ लेंगे। मैं वेरी हॉरिफाइंग, शाम को बताया ना वैसे नहीं होगा, बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डराने वाला है। जुमाना वगैरह भी हैं जो आदिकाल से यहाँ खड़े हुए हैं, है ना, मस्त ड्रेस में। वो भाई ये लोग चले गए हैं, मुझे अकेले इसीलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि आस पास मेरे को दिख नहीं रहा और मैं अकेला बन जा रहा, खुद की आँखों बता रहा तो बनने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा। और माय गॉड, इस रास्ते से चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, तुम इधर देखो ये सब के सब जो है बैठे हुए हैं एक नए हड़ताल में, कुछ लोग मेरे पीछे आ गए हैं। शुक्र है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। ये सारे लोग जो हैं सारे तरह तरह के जानवर बनाए गए थे यहाँ पर, कुत्ता बिल्ली शेर वगैरह भी हैं भाई साहब, हर एक जानवर यहाँ पर है। और यहाँ पे एग्जिट किया, चलो फाइनली एग्जिट हो गया। और इस तरफ जो है पूरी आर्मी लोग पहुँच कर दूंगे, ये मुझे थोड़े जॉम्बी टाइप में लग रहे हैं क्योंकि मस्त लग रहे हैं। कुछ मोर वगैरह सर, हाँ ये मोर वगैरह हैं, सारे मोर वगैरह हैं। जी छोटा सा रास्ता हो यहाँ से फिर निकलना है, पता नहीं एग्जिट कब आएगा, कब ख़त्म हो गए लोग के मैं समझ ही नहीं पा रहा। ओह माय गॉड, यहाँ से तो तुम उसकी और ज़्यादा टूट जा सकते हो भाई इन लोगों के। ओ यार कितनी खतर, मतलब फिर बताऊँ लिटरली टाइम लिटरली भाई मेरे को इनको देख के मेरी फट रही है, मैं कहूँ कब ख़त्म हो गए, बस चलता जा रहा रास्ते में। ओ भाई यार मैं पता शाम हो गई और यहाँ की लाइटें भी, मतलब लाइटें भी नहीं यहाँ पर, मुझे निकलना पड़ेगा भाई किसी पर जा सा मुझे। तेरी गलियों में सवारा शाम है, चलो मेरा नाम निदान, पता नहीं क्यों मैं रास्ते में किधर ऊपर जा रहा हूँ, ऐसी जगह ऊपर भाई साहब मैन डैम, क्या बताऊँ तुम्हें क्या दिखाती हूँ, तुम खुद देखो यार इनको। मैं डर चुका हूँ, मैं फिर था आवारा, मैं चाहिए सहारा, मैं तुझे को बता रहा। लाइटों का असार दिखा मुझे, मैं यहाँ से निकलना है, जैसे जैसे बाहर निकल जाना मुझे तो भाई साहब, बस कैसे यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, शायद अपने फिर बचाएँ मान लो। और ये एग्जिट है भाई साहब, एग्जिट है, मैंने मुझे एग्जिट मिल गया। ये क्या है, ये क्या है, बड़ी की चीज़ है, बाल इतना घूम कर सीधा बाहर आ गया मैं,
और घूमते सीधा बाहर आ गया यहाँ से इस तरफ से आ गया। अब भैया के वो छाता दे दूँ, मुझे भैया ने छाता मुझे दिया था, पता नहीं कैसे छाता है, वो छाता मुझे वापस करना है ना करके। इन वाले गाड़ी वाले भैया थे जिन्होंने मुझे छाता दिलवाया था सामने से, भैया है नहीं तो मैंने इन भैया को छाता दे दिया है, अभी उनको दे देंगे है ना। बाकी हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर आसपास एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है और फिर निकलते हैं ठीक है। क्योंकि मैं शायद अंदर सूख चुका हूँ अंदर से, पता नहीं क्या, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। मेरे बाल अभी भी जो है गिले से हैं और मैं सीधा था, तो फिलहाल जो है ये झड़ गया जा रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार, लिटरली चमक रहे हैं यार, देखो ये कुछ वाइट सुपर टाइप में बना हुआ यहाँ पे, देखो तुम चमक खूबसूरत है, देखिए मैं बहुत ही प्यार करें। सिर्फ कुछ दफ्तर वगैरह है, अच्छा ये कैंटीन वगैरह है खाने पीने के लिए, और वो रास्ता भी उससे निकलता है यहाँ से, पता नहीं किस तरह पैसा मैंने मिस कर दिया रास्ता, या फिर इधर आना भूल गया मैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, एक बार देख लेते हैं इधर जा करके क्या है रास्ता। मैं इस रास्ते में अकेला हूँ पर फिर भी मैं जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों डर लग रहा हूँ जा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, इतने रिस्क नहीं जाता मैं नहीं जानता भाई। यहाँ पर जो है कुछ पुतले रखे गए हैं और ये भाई टाइम ये रियल लग रहा है मेरे को देखने में, भाई 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 भागो भागो, मुझे मेरे को नहीं जाना, बहुत ज़्यादा डराना है क्योंकि पार्टनर से निकला था और मुझे जो है मतलब प्योर हार्टेड प्योर सोल बंदे मिल गए ये लोग, ये अंकल लोग हैं जिन्होंने मुझे अभी हेल्प की है, फाइनेंशियली हेल्प की है। अब मैं इनसे कोशिश करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और ऐसे भी हेल्प कर दें, क्योंकि वो भी मेरे लिए क्या बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अंकल ने पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं बुजवाड़ा आम साहिब से आया हूँ, फिर उन्होंने मुझे हेल्प की। थैंक यू अंकल, आप सब थैंक यू, थैंक यू अंकल जी। भाई साहब चंडीगढ़ के जो रूल्स हैं ना बड़े ही सख्त हैं, ये तो मुझे मालूम पड़ा था चंडीगढ़ में एंट्री करते ही ठीक है, क्योंकि मुझे भी कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था बिना हेलमेट के। बट मैं क्या देखता हूँ कि ये जो रास्ता है ना, रास्ता तुम देख रहे हो, ये साइकिल वालों के लिए यार, मतलब लिटरली टाइम साइकिल वालों के लिए, वो मेन रोड वो हैवी व्हीकल्स के लिए बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह सारी चीज़ के लिए, और ये है साइकिल वालों के लिए, और ये है पैदल चलने वालों के लिए, मतलब यहाँ खूबसूरत मतलब बना रखा है यार लिटरली डैम, और बीच में बैरिकेड्स भी डाल रखे हैं इन लोगों ने, मुझे साइकिल वाले को दिक्कत रहा, मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि पैदल चलने वालों के लिए होगा, लेकिन गुरु ये तो है पैदल वालों के लिए, क्या ही मस्ती है जी। तो अम्ब साहिब जो मुझे लिफ्ट नहीं मिली थी तो ये अंकल मिले हैं ठीक है, और अंकल ने जो है बहुत हेल्प की है, आज मैं साइकिल में बैठकर लिफ्ट पर जाऊँगा ठीक है, थोड़ी दूर तक यहाँ पर शायद कहीं जहाँ भी जाना होगा जिधर जिधर अंकल जा रहे हैं, तो अंकल के लिए एक लाइक तो बनता है, अंकल को थैंक यू अंकल ठीक है, अंकल मुझे वहाँ तक छोड़ेंगे और आप लोग भी सपोर्ट करना भाई, अंकल सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर चलो चलते हैं आगे की ओर। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है, तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम जाएंगे गुरुद्वारा, लंगर वगैरह खाएंगे और रेस्ट करेंगे, कपड़े भी चेंज करने मुझे, तो वीडियो को तुम लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज की वीडियो इतना ही, अलविदा। ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना।